आपका बहुत स्वागत। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने कांग्रेस के घोषणा पत्र का एनालिसिस जरूर किया होगा, आपके क्या विचार हैं? देखिए, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है ये ट्रांसफॉर्मेशन है कांग्रेस पार्टी का। इन्होंने वो सारे मुद्दे छीन लिए समाजवादी पार्टी के, राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद की पार्टी या दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां जिन्होंने जो मुद्दे अभी तक उठाते रहे वो सारे मुद्दे इन्होंने अपने में समाहित कर लिए। सपा का करेक्टर, आरजेडी का करेक्टर सहित तमाम ऐसी रीजनल पार्टियों का जो चरित्र है, इवन इस पे सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि केजरीवाल का इफेक्ट है कि ढेर सारी घोषणाएं कर दीजिए और वोट ले लीजिए। अगर हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को देखें तो इसमें कई चीजें ऐसी हैं जो जनता को बहुत लुभाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। पेपर लीक का मुद्दा इसमें बहुत गंभीरता से एड्रेस करने की कोशिश की गई, लेकिन ये कहा गया है कि हम बनाएंगे एक ऐसा मॉडल जिसमें पेपर लीक नहीं हो, तो राजस्थान में तो नहीं बन पाया, राजस्थान में बहुत ज्यादा पेपर लीक हुए थे जी। तो सवाल भी होंगे। तो ये जो घोषणा पत्र आ जाने के बाद इंडिया गठबंधन के बाकी दलों की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि ये दल अगर इस घोषणा पत्र को एक्सेप्ट करें या अपना घोषणा पत्र बनाएं। अगर अपना घोषणा पत्र बनाएंगे तो उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर कांग्रेस घोषणा पत्र होगा, 62 सीटों पर समाजवादी पार्टी का होगा जी। और अगर टीएमसी भी घोषित कर देगी तो एक सीट पर टीएमसी का भी घोषणा पत्र होगा। यानी इंडिया अलायंस में एक साझा घोषणा पत्र होने के बजाय एक पार्टी का अपना घोषणा पत्र आ जाने के बाद चीजें पूरी तरीके से बदल गई। और जब साझा सरकार बनेगी तो क्या ये घोषणा पत्र एक्सेप्टेबल होगा उस साझा सरकार को अगर अलग अलग घोषणा पत्र होंगे? आपने तो सपा के प्रवक्ता की बात सुनी, उनका कहना है कि अभी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यानी न्यूनतम साझा कार्यक्रम भी आएगा, ऐसा उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। नहीं ब्रजेश जी, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में तो मिनिमम प्रोग्राम होंगे ना, लार्जर घोषणा पत्र कहाँ होगा? हाँ, यहाँ पे भी तो बातें बिगड़ गई, फिर तो बातें और ज्यादा बिगड़ गई कि भाई एक हमने पुलिंदा ले आए 43 पेज का, अब हम एक उसकी जो है समरी ला रहे हैं 1.5 पेज की, तो जनता को क्या बताएंगे? आपके कहने का तात्पर्य है कि ये जो घोषणा पत्र है ये इंडिया अलायंस का होना चाहिए था, ये कहना चाहते हैं? 100% अगर आप साझा चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको साझा घोषणा पत्र लाना चाहिए, तो उसमें अखिलेश जी भी मौजूद रहते, लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव मौजूद रहते, स्टालिन में। लेकिन सर आपने देखा होगा कि बीजेपी भी अपना घोषणा पत्र तैयार कर रही है और जो कमेटी बनी है उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग हैं, वो भी कोई एनडीए के घोषणा पत्र पर काम नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन लेकिन चैलेंज कौन किसको कर रहा है? सत्ता से बाहर किसको होना है? सत्ता से बाहर करने के लिए इंडिया अलायंस ने चैलेंज किया है बीजेपी को। बीजेपी तो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग पार्टी किस तरह से तैयारी करती है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि अपोजिशन उसको जो चैलेंज करने वाले लोग हैं, यानी कि नया वोटर किसके साथ जुड़े, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं घोषणा पत्र देखने के साथ आज मैं देख रहा था मनमोहन सिंह का जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2013 की, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गूगल पे अवेलेबल है, तमाम तरीके के जो जिनको बीबीसी से लेकर एनडीटीवी न जाने और आपके यहां भी अवेलेबल है, तो वो देख लिया जाए तो समझ में आ जाएगा कि जो ये घोषणा पत्र लाया गया है जी, ये इसके इसकी दिशा और दशा किस तरफ जा रही। आपके मुताबिक ये जो इनका न्याय पत्र मैनिफेस्टो है ये दिशाहीन है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं दिशाहीन है, लेकिन इंडिया अलायंस के लिहाज से ये गठबंधन के चरित्र के हिसाब से दिशाहीन है। ओके, वीरेंद्र जी।